हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोडेस्क पावर में 2021 के बारे में। उसमें जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ बिल्स का कोरम कैसे बनाते हैं। तो आपको पता है कि बिल्स का कोरम कैसे बनाते हैं और बिल्स में कौन से, जैसे कि हम लोग सेंटर डील मारते हैं तो जैसे कि 81 आता है, डील मारते हैं तो 83 आता है। तो डील का कोरम कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, और उसका जो कोड है वो भी आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर ये वीडियो देख लेंगे, दोनों वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो डीलिंग का यहाँ प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और डील के प्रोग्राम में हमारा जो कोऑर्डिनेट रहता है वो कैसे निकलता है और उसमें जो कोड रहता है वो कैसे, कौन सा कैसे काम करता है। डीलिंग का हो और आपका सेंटर डील, बोरिंग सब है, इस वीडियो में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ जो वो, जैसे कि आप प्रोग्राम बना देते हो, टूल पर तो बना देते हो, लेकिन जब प्रोग्राम को राइट करते हो तो जो प्रोग्राम हमारा राइट होने का कैसा मिलता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोग्राम एग्जाम्पल करके, ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है सेंटर डील का, ये दोनों प्रोग्राम हमारा सेंटर डील का है। ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों प्रोग्राम है हमारा, ये सेंटर डील का है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ G81, G98, Z10mm, R5 और 100 का फीड। सेम इसमें भी देख सकते हैं कि G81, 98 और Z का जो माइनस में 10, R5 फीड 1000 इतना है। लेकिन इसमें देख सकते हैं कि आप प्रोग्राम देखिए, हर बार वो G81 करके आ रहा है, इधर भी G81, इधर G81। इसमें क्या है, सिर्फ एक जगह पर, इसमें देख सकते हैं कि आपको एक ही जगह पर सिर्फ G81 दिख रहा है और इसमें बार बार दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे देख बता देता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे G01DR मतलब पहला प्रोग्राम है, ये G02 दूसरा प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम सेंटर डील का ही है। दोनों अंदर मैं इसके पैरामीटर्स में भी आपको दिखा देता हूँ, इसके पैरामीटर्स में भी दिखा देता हूँ आपको कि ये देखिए, इसमें भी 10mm माइनस है, आर इसका 5 है, इसमें भी सेम वैसे ही है। लेकिन इसका जो प्रोग्राम राइट किया हुआ है वो देख सकते हैं हम लोग कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है G81 और G81 बार बार करके। क्यों निकलता है ऐसा, मैं आपको इसका भी प्रोग्राम को वापस राइट करके दिखा देता हूँ आपको कि हम लोग जब प्रोग्राम दोनों बनाए हैं सेम, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, राइट करने के बाद दोनों प्रोग्राम जो है वो अलग अलग क्यों आ रहा है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, ये हमारा देखिए प्रोग्राम, ये भी हमारा सेंटर डील का है। इसके मैं क्या करता हूँ, इसको सेटिंग्स में चला जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद इसमें देख सकते हैं कि हमारा सिंगल पैक है, यूजर में हमारा 15 MDB है। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो जो हमारा प्रोग्राम बनता है इसको मैं एडिट कर देता हूँ, 15 MDB है। इसको प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दिया, अभी हमारा एक प्रोग्राम बन गया। दूसरा वाला प्रोग्राम को पैरामीटर में जाके फिर उसको भी हम लोग क्या करते हैं, 15 MDB डाल देते हैं, इसको 20 MDB डाल देते हैं, प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि दोनों प्रोग्राम हो गए, हम लोग इसको राइट कर लेते हैं दोनों को। अब ये दोनों को राइट करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम जनरेट हो रहा है और पोस्ट होने के बाद जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, दोनों सेम दिखना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम दोनों सेम है, एक में 20 TB है, एक में 15 TB है। लेकिन हमारा जो G01 का है वो 15 MB, उसको हम लोग ओपन किए और हम लोग क्या करते हैं G02 को भी ओपन कर लेते हैं। अब ये दोनों को एक सामने दूसरे के सामने रख लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देख सकते हैं कि पहला जो हमारा है इसमें, इसमें देख सकते हैं कि जो आपको नाम देखने का है तो आप देख सकते हैं इधर आपको नाम दिखेगा। ये G01 का हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा जो प्रोग्राम है ये G01 वाला ये है, और ये जो है ये G02। इसमें देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है G02 और इसमें G01। अभी इसमें प्रोग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा प्रोग्राम है इसमें लिखा हुआ है G81 एक ही जगह पर, लेकिन इसमें क्या है, एक जगह पे इधर लिखा है, दूसरा जगह पे लिखा है। मतलब हर बार जब वो कोऑर्डिनेट मारेगा, जब वो डील पे एक दूसरे पे हर जगह पे जाएगा, मैं इसको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि एक डील मारने के बाद, पहला डील के बाद दूसरा डील पे, तीसरा डील पे, जब ऐसा ऐसा बार बार पे जाएगा तो हर बार वो क्या करेगा, हर बार वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट लेगा। मतलब कि हर बार एक कोऑर्डिनेट पे, फिर इस कोऑर्डिनेट पे, मतलब हर बार कोऑर्डिनेट पे जाएगा, इस कोऑर्डिनेट पे, तीसरा होल में जाएगा तो इस पे, चौथा होल में जाएगा तो इस पे। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक जगह पर, लेकिन बार बार वो क्या करेगा, बार बार वो क्या करेगा, वो हर जगह पे सिर्फ कोऑर्डिनेट लेगा ऐसा। लेकिन आपका एक ही जगह में प्रोग्राम रहेगा, तो इसको क्या करना है, आपको एडिट करना इजी पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको क्या करना पड़ता है। अगर आपको एडिट करना है, जैसे कि आपको प्रोग्राम के अंदर फीड को एडिट करना है, तो आप एक जगह पे एडिट कर दोगे, आपका जितना भी प्रोग्राम है सब जगह पे फीड एडिट एक साथ में हो जाएगा। लेकिन इसमें एक जगह पे अगर फीड चेंज करोगे तो सिर्फ एक ही होल के लिए फीड चेंज होएगा, दूसरा होल के लिए फीड चेंज नहीं होगा, तो हमको इजी पड़ता है इसमें तो। लेकिन हम लोग जो हमारा डील का प्रोग्राम है वो एग्जैक्ट दोनों में ऐसा क्यों बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको समझ में आएगा कि डील का हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन अलग अलग, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जी, इसमें क्योंकि उसमें प्रोग्राम में भी आपको देख सकते हैं कि इसमें अलग आ रहा है। जैसे कि मैं G81 में देख सकते हैं, G
01 में देख सकते हैं हम लोग, इधर G01 वाले में देख सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि G81 है, लेकिन जो दूसरा वाला हमारा प्रोग्राम उसमें मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हैं कि इसमें G01 का भी प्रयोग किया गया है, इधर ये देख सकते हैं इसमें G01 भी ऑप्शन आया है। G01 का ऑप्शन आ गया तो आपको स्लो में चलेगा, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट चलने के बाद दूसरा कोऑर्डिनेट पे जब जा रहा हो तो इधर देख सकते हैं G01 का भी प्रयोग इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ 81 बाकी आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेट पे चलते जाएगा ऐसा। तो वो प्रोग्राम ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये प्रोग्राम अलग अलग डील का तो प्रोग्राम अपन आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा कोऑर्डिनेट अलग अलग आता है तो आपको एडिट करना रहता है, तो आपको कंफ्यूज लगता है कि ये G01 में क्यों आ रहा है ऐसा। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ये हमारा प्रोग्राम का जो पैरामीटर रहता है वो सेम रहता है, इसमें हमको लिंक का जो लिंक में हम लोग काम करते हैं वो हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसके वजह से ऐसा आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए कि पहला वाला जो हमारा प्रोग्राम है, देखिए नाम नंबर देख सकते हैं G01 वाला जो है हमारा, इसमें क्या करते हैं इसके लिंक में हम लोग चले जाते हैं, लिंक में जाने के बाद लिंक में जाते हैं ना, लिंक में जब जाते हैं हम लोग ना, इसके थोड़ा टाइम बाद इधर हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग रहता है लिंक इसमें, जैसा है कि मैं देख सकता हूँ कि देखिए इधर देखिए बिल अलग अलग है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन चॉइस का है ये सेफ है, दूसरा ऑप्शन है वो भी सेफ है। अभी हम लोग क्या करते हैं इसको बंद कर लेते हैं, G02 का ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसके सेटिंग्स में जब जाते हैं हम लोग ना, इसके सेटिंग्स में जब जाके देखते हैं लिंक्स में चले जाते हैं, लिंक्स में जाने के बाद अभी इसका देखते हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं पहला जो ऑप्शन इसमें हमारा है ऑन सरफेस, दूसरा है इसकी, लेकिन जो पहला वाला था उसमें क्या था, उसमें ऑप्शन ऐसा नहीं था, उसमें सेफ था। इसका ही प्रॉब्लम आपको कभी भी डीलिंग्स में अगर आप डील मार रहे हैं तो आपको सेफ को सेलेक्ट करके ऑप्शन को रखना, आपको क्या करना पड़ेगा ये डीलिंग में आपको सेफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेफ सेलेक्ट करोगे तब आपको प्रोग्राम कौन सा मिलेगा, G01 का नहीं मिलेगा। जैसे मैं देखो G01 का जो DR प्रोग्राम है हमारा वो हमारा ओके, इसमें देख सकते हैं G01 का जो हमारा प्रोग्राम है वो देख सकते हैं कि इसमें एक ही कोऑर्डिनेट है और आपका बार बार कोऑर्डिनेट चल रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको हम लोग देख सकते हैं कि उसमें हमारा सेफ का ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया गया है, उसमें इसके लिए आपको G01 का प्रयोग हो रहा है। ये देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या किए हैं, लिंक में जाके सेफ को ऑन सरफेस रखे हैं, स्कीम रखे हैं, इसके लिए हमारा प्रोग्राम अलग आ रहा है। इसमें आपको देख भी सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि इसका जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं कि अलग दिख रहा है, लेकिन इसका जो है वो आपको दिख रहा है कैसा, वो थोड़ा आपको अलग दिख रहा है। तो इसमें दोनों में भी डिफरेंस आपको पता चलता है, लेकिन आप कभी भी अगर डीलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको इस टाइम पे एक चीज क्या करना है, इधर जाके लिंक में आपको लिंक में जाने के बाद इधर पहले ऑप्शन को सेव करना है, दूसरे ऑप्शन को सेव करना है, फिर से अप्लाई और लिंक अप्लाई करके अप्लाई और एक्सेप्ट करना है, तब आपका जो प्रोग्राम निकलेगा। मैं क्या करता हूँ इसको फिर से राइट करके दिखा देता हूँ दूसरे वाले को भी। मैं दूसरे वाले का क्या करता हूँ, दूसरे वाले को लिंक में जाने के बाद सेव कर लेता हूँ, दूसरे को भी सेव करता हूँ, और फिर से अप्लाई और एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं राइट कर लेते हैं। जब हम लोग इसको राइट करेंगे, जब हम लोग राइट करेंगे प्रोग्राम को, तब इस प्रोग्राम को भी हम लोग देखेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम आएगा दूसरा वाला भी वो देख सकते हैं वो भी G81 आने लगा, G81 आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसमें हर जगह में भी G81 नहीं आ रहा है ऐसा। तो आपको कभी भी डीलिंग का प्रोग्राम तो आपको बनाने आता है, लेकिन अगर आपको डीलिंग में प्रोग्राम बनाने के बाद भी अगर आपका G81 कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको लिंक में आपको याद रखना है कि आपको सेव का ऑप्शन को सेलेक्ट करके यूज करना है। अगर आप नहीं कर सेव का ऑप्शन नहीं किया, अगर ऑन सरफेस या अदर कोई और भी डालेंगे तो आपको प्रोग्राम में कुछ तो गलत आपको कोऑर्डिनेट आएगा, जैसे G01 का ऐसा कुछ तो आपका गड़बड़ होगा अगर आप गलत करेंगे तो। अगर आप हमेशा सेव करके ऑप्शन यूज करेंगे तो उससे आपका जो डील्स है, चाहे तो आपको ड्रिल मार रहे हैं कटर मार रहे हैं, तो टूटेगा नहीं आपका जो है वो इजी तरह से चल के आपका डीलिंग हो जाएगा। तो हम लोग जो डीलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं उस टाइम हमको क्या करना है, सेव का ऑप्शन को सेलेक्ट करके यूज करना है लिंक ऐसा। अगर आपको कुछ इस वीडियो में कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट कीजिए, नए को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को पूछिए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कीजिए और मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा।